जय हिंद। जहां बाजार तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है, उसके बावजूद अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। कुछ कंपनियां तो लगातार अपर सर्किट में कई दिनों से बंद हो रही हैं और उसमें एक नया हाई प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में हम लोग अडानी ग्रुप की दो शानदार कंपनियां, वैसे तो अडानी ग्रुप की सभी कंपनियां शानदार हैं, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग अडानी बिलमार और अडानी पावर के बारे में चर्चा करेंगे। कारण यह है कि इन दोनों कंपनियों से रिलेटेड कुछ शानदार अपडेट निकलकर सामने आए हैं। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत काम की होने वाली है और इस खबर को जानने के बाद, सुनने के बाद आपका दिल गदगद हो जाएगा। तो कमाल की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में, बस अब लास्ट तक बने रहिए और आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अडानी विलमार से। अडानी विलमार का शेयर प्राइस है 764 रुपया। हालांकि यह ओपन हुआ था 743 रुपया पर और इसने दिन भर में 736 रुपये का लो भी लगाया, लेकिन शाम होते होते इसने 764 रुपये पर 5% की अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग दे दी है। हाई देखेंगे तो यह हाई लगा चुका है 764 रुपया और शेयर प्राइस पे 764 रुपया। कुछ समझ में आया? मतलब ये कि अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई पर है और प्रतिदिन एक नया हाई बनाते जा रहा है। इसलिए शेयर प्राइस जब यहाँ से लुढ़कना शुरू होगा तो जहाँ से लुढ़कना शुरू होगा वो इस कंपनी का फिलहाल का हाई नया बन के रहेगा। अब अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो आपको पता है कि अडानी विलमार लीडिंग FMCG कंपनी है। अभी हाल ही में शेयर बाजार में लिस्टेड हुई है, लेकिन जब से ये लिस्टेड हुई है इसने पहले से जो शेयर बाजार में FMCG की कंपनियां लिस्टेड हैं उनको टक्कर देने लगी है। अगर इसके बिजनेस की बात करें तो यह मुख्य रूप से एडिबल ऑयल के लिए जाना जाता है। फॉर्चून ब्रांड का नाम आपने जरूर सुना होगा। फॉर्चून ब्रांड के जो तेल आते हैं यही कंपनी बनाती है। इसके अलावा यह आटा, चावल, शुगर, दाल तमाम खाने पीने की वस्तुएं बनाती है। अब यहाँ आइए, नया अपडेट ये है कि इंडोनेशिया जो देश है पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं भी है तो पाम ऑयल के जितने भी बड़े उत्पादक देश हैं उनमें इसकी गिनती जरूर की जाती है। इसने क्या किया है कि पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। अब यह जो पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बैन किया वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बैन किया है, दुनिया के तमाम देशों के लिए बैन किया है। क्यों बैन किया है इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि इसने बैन कर दिया है। हमें दिक्कत इसलिए है क्योंकि भारत जो है पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक देश है। एक बात समझिए, आयात उससे कहते हैं जब कोई देश दूसरे देश से वस्तु मंगाता है, उसको आयात करना कहते हैं, अंग्रेजी में उसको इम्पोर्ट कहते हैं। और जब कोई वस्तु हमारे देश से दूसरे देशों में भेजी जाती है तो उसको निर्यात कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। समझ गए? अब समझिए, भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, आयातक है, क्योंकि हमारे यहाँ पाम ऑयल का प्रयोग मुख्य रूप से वेजिटेबल ऑयल, बिस्कुट, चॉकलेट, डिटर्जेंट तमाम चीज़ों में पाम ऑयल का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो जब इंडोनेशिया ने पाम ऑयल को बैन कर दिया है तो इसका फायदा अडानी विलमार जैसी कंपनियों को, खासकर खाद्य तेल बनाने वाली कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा और ये फायदा मिलते हुए दिख भी रहा है। हालांकि अगर बात करें अडानी विलमार को तो अडानी विलमार के पास बहुत बड़ा स्टोरेज हाउस है, जहां इसके पास पहले से पाम ऑयल की बहुत बड़ी मात्रा में इसने भंडार करके रखा हुआ है। आने वाले कुछ समय तक इसको दिक्कत नहीं होगा। अब पाम ऑयल का उत्पादक सिर्फ एक इंडोनेशिया ही थोड़े, मलेशिया से मंगा लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो दूसरे देशों से मंगा लेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि फिलहाल इंडोनेशिया से ज़्यादा व्यापार होता है हमारा इस पाम ऑयल का। तो इसका असर जब इसने बैन कर दिया तो कहीं ना कहीं जो कंपनियां तेल बनाने वाली उनके शेयर प्राइस पर देखने को मिलेगा। तो एज ए शेयर होल्डर्स तो हमें फायदा होगा कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन आने वाले समय में खाद्य तेल और महंगा होंगे तो एज ए कंज्यूमर हमको और ज़्यादा नुकसान नहीं कह सकते हैं, इसको नुकसान तो नहीं कहेंगे, हाँ लेकिन महंगाई बढ़ेगी तो उससे दिक्कत जरूर होगा। अब समझिए, जो सुधाकर देसाई हैं ये प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। इनका कहना है कि इंडोनेशिया ज़्यादा दिन तक पाम ऑयल को बैन करके नहीं रख सकता, इससे इंडोनेशिया की मुसीबत काफ़ी बढ़ जाएगी, जो कि काफ़ी हद तक सही बात भी है। तो ये था अडानी विलमार से रिलेटेड अपडेट जिसके बारे में आपको बताया। अब आइए हम चलते हैं अडानी पावर के बारे में। देखिए, अडानी पावर का जो शेयर प्राइस आज के दिन का 272 रुपया है, इसने भी 5% की अपर सर्किट के साथ आज अपना क्लोजिंग दिया है और देखेंगे तो 272 रुपया इसने एक नया हाई बनाया है आज। हालांकि ये ओपन हुआ था 263 रुपया पर और इसने दिन भर में 262 रुपये का लो भी बनाया था, लेकिन शाम होते होते इसने 272 रुपये के रिकॉर्ड हाई के साथ अपना क्लोजिंग दिया। अब समझिए, इससे रिलेटेड अपडेट यह है कि यह जो कंपनी अडानी पावर आज अडानी ग्रुप की छठी ऐसी कंपनी बन गई है जो मतलब 1 ट्रिलियन जिस कंपनी का मार्केट कैप है, 1 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली कंपनियों में कंपनी शामिल हो गई है। तो ये इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए काफ़ी गर्व की बात है कि उनका इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में है वो कंपनी अब 1 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है। अगर इसके पहले बात करें तो अडानी ग्रुप की जो कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेज, वह इसके पहले 1 ट्रिलियन वाली मार्केट कैप में शामिल हुई थी। इसका अभी मार्केट कैप है 2.49 ट्रिलियन। और इसके अलावा बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन है जिसका मार्केट कैप 2.93 ट्रिलियन है। और अडानी ग्रीन को भला कोई कैसे भूल सकता है, अडानी ग्रुप की एकमात्र ऐसी कंपनी जिसका शेयर प्राइस जिस कंपनी का बहुत कम समय में बहुत अधिक बढ़ गया और इसका मार्केट कैप है 4.42 ट्रिलियन। देखिए, अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनी है, अगर आप अडानी ग्रुप के किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो आपके तो बल्ले बल्ले हैं, चाहे मार्केट
ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको बिल्कुल डरने घबराने या चिंता कोई बात नहीं करनी है। इस कंपनी के शेयर प्राइस, इसकी अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयर प्राइस हमेशा ऊपर जाते रहेंगे और आपको तगड़ा मुनाफा और कमाई कराते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ छोटी सी अपडेट या जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो से कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। मन में कोई भी सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो आप उसमें कमेंट में जरूर पूछिए। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।